बात करते इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर से मिल रही है। शाहढोरा के पास मथनेर बरखेड़ा में बस पलट गई है। हादसे में बस में सवार 50 यात्री थे। हादसे में बस में सवार 10 यात्री जो हैं वो बुरी तरह घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अशोकनगर के शाहढोरा से मिल रही है, जहां पर मथनेर बरखेड़ा में बस पलट गई। बस पलटने की वजह से 10 यात्री घायल हुए हैं। बता दें आपको जानकारी के मुताबिक बस में 50 यात्री सवार थे और 10 यात्री बुरी तरह से घायल हुए, जिनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, देखिए किस तरह से यहां पर जो घायल यात्री हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो परिजन है उनके वो भी मौके पर मौजूद है। अशोकनगर शाहढोरा के पास मथनेर बरखेड़ा में बस पलटने की वजह से 10 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, फिलहाल उनका इलाज जारी है। हादसे में जब यह हादसा हुआ उस समय बस में 50 यात्री सवार थे। गुना से अशोकनगर आ रही थी यात्री बस, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। अनियंत्रित होकर खेत में जाकर बस पलट गई थी और यह हादसा हुआ है। अशोकनगर शाहढोरा के पास मथनेर बरखेड़ा में बस पलटी थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बुंदेल गुज्जर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बुंदेल, बड़ा हादसा हुआ है, 10 यात्री घायल हुए हैं, हालांकि यात्रियों का जो इलाज चल रहा है अस्पताल में, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आरोन से अशोकनगर आ रही एक यात्रियों से भरी बस बरखेड़ा मैनाई गाँव में पलट गई है, जिसमें सवार 18 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं और मौजूदा गाँव वालों के सहयोग से सीसी तोड़कर बाहर से निकाल लिया गया है और उनको जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विधायक क्षेत्रीय विधायक जतपाल सिंह जज्जी भी मौके पर पहुंच के जायजे लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बुंदेल तमाम जानकारी। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं 18 से ज्यादा यात्री घायल हुए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। विधायक मौके पर पहुंच गए और लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं और जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती है उनका भी हालचाल विधायक ने जाना और उसके बाद ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी मरीजों को नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द मरीजों के स्वस्थ होने की कामना विधायक जी ने की है।